आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम अली बाबा ग्रुप के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको भी मेरी तरह यूएस के स्टॉक्स में काम करना सीखना है, उसमें पैसा लगाना सीखना है, तो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग की, आप वहाँ से आके सीख सकते हैं। तो देखिए, अली बाबा का स्टॉक का डेली चार्ट है और यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पहले प्राइस ऊपर गया, फिर तेज़ी से नीचे आया, फिर यहाँ पे आप ये देखने को मिल रहा है कि जो 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस पर ये प्राइस सपोर्ट ले रहा है और इस पर स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बना रहा है। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक जो होती है एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक होती है। तो मतलब जो ये प्राइस नीचे आ रहा है तो उसकी पूरी संभावना है ये प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए कि अलीबाबा के स्टॉक ने यहाँ पर गैप क्रिएट किया था और बाद में इसने गैप को फिल किया है गिर के। अब इसी वाले गैप को दोबारा से प्राइस फिल कर सकता है और यहाँ पे भी जो एक गैप क्रिएट हुआ है इसको भी फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो अभी ये 99.93 पे है, हाई चांसेस हैं कि ये स्टॉक जो है 100 से ऊपर जाएगा। जब भी 100 से ऊपर जाएगा तो ये वाला प्राइस पॉइंट है इसका हाई, मतलब कि $104 तक आ सकता है। फिर जब ये इस भी प्राइस पॉइंट को पार कर जाएगा फिर हमें ये वाला अगला प्राइस पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है ना। ये होगा $111 के आसपास, $111 ये लेवल होगा ये वाला, इसको क्रॉस कर सकता है, ठीक है। ये लेकिन इसके लिए इस रेंज को तोड़ना जरूरी है अलीबाबा के स्टॉक को। जैसे ही रेंज को तोड़ेगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर इसमें बाइंग की जा सकती है, ठीक है। फिलहाल जब तक एक हमें अच्छी खासी बुलिश कैंडल नहीं मिलती हरे रंग की देखने को, बड़ी से हरे रंग की बड़ी बॉडी वाली बुलिश कैंडल, तब तक हम वेट करेंगे इस स्टॉक में और इसके आगे की चाल उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।